हमारे सामने खड़ी है एक बाइक जिसमें फ्रंट व्हील में यानी आगे के चक्के में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। बहुत सारी आप बाइक्स देखते होंगे जिसमें ड्रम ब्रेक लगा रहता होगा। तो अंतर कहाँ आता है, डिस्क ब्रेक अगर आप लेते हैं तो इसके सिर्फ पैड्स को चेंज करने पे, जो कि यहाँ पे लगती हैं, जो इस प्लेट को पकड़ती है, तो ये सिर्फ पैड चेंज करने से आप नई बाइक हो या फिर पुरानी बाइक हो, उसका ब्रेक लगने का जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो सेम रहता है, बराबर रहता है। लेकिन वहीं पे जब आप ड्रम लेते हैं, जैसा कि इसके पीछे वाले चक्के में लगा हुआ है, या फिर हम फ्रंट व्हील में भी बहुत सारी बाइक्स में आती हैं ड्रम ब्रेक, तो ड्रम ब्रेक में क्या होता है, ड्रम जो होती है यहाँ अंदर जो बीच में होती है उसमें रगड़ाते रहती है, रगड़ाते रगड़ाते ये ड्रम जो है वो थोड़ा सा चिकना हो जाता है। तो आप अगर ब्रेक पैड चेंज भी करते हैं फिर भी, क्योंकि ये चिकना हो चुका होता है, वो कम पकड़ती है। इसके कारण अगर आप जब भी कोई भी बाइक लेने जा रहे हैं, अगर उस बाइक में फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है तो वही लिया कीजिए।